ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा कल हम लोगों ने वन वन एंड मेनी वन फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। वन वन फंक्शन क्या होता है, कोई एक बच्चा मुझे बताए। प्रथम बेटा वन वन फंक्शन क्या होता था? हाँ बेटा प्रथम बोलिए। सर सर डोमेन के कोई भी एक एलिमेंट में के लिए कोडोमेन का कोई भी एक ही एलिमेंट होगा। बेटा को डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट डोमेन के एक ही मतलब एट मोस्ट वन एलिमेंट से ही एसोसिएटेड होगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने देखना डिफिनेशन देखा लिखा होगा आप लोगों ने। ओके तो बेटा देखिए, आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन थ्योरी क्या बोलती है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन। यहाँ पर भी बेटा वही सेम चीज, ईच एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन इज एसोसिएटेड बाई एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन दैट द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन्टू फंक्शन। बेटा इसमें देखो, वहां पर वन वन फंक्शन में एट मोस्ट बोलते थे, यहाँ पर क्या बेटा एट लीस्ट, क्योंकि यहाँ बस आप सिंपल सी चीज ये समझिए, जो बेटा को डोमेन का कोई भी एलिमेंट विदाउट एसोसिएटेड नहीं रह सकता डोमेन से। ओके मतलब को डोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन से एसोसिएटेड होंगे। देख लीजिए यहाँ पर, इसमें को डोमेन में इसमें फोर्थ एलिमेंट है, डोमेन के फिफ्थ एलिमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन बेटा ऑन्टू फंक्शन है। अब देखिए दूसरी मैपिंग में, देखिए ए सेट बी में, देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट को डोमेन में एक एलिमेंट शेष रह रहा है, देखिए ये एलिमेंट नॉट एसोसिएटेड विद डोमेन। ओके तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट ए ऑन्टू फंक्शन। तो जब बेटा ऑन्टू फंक्शन नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू फंक्शन। ओके अब बेटा आगे देखिए, इन ऑन्टू फंक्शन रेंज इक्वल टू कोडोमेन। बेटा जो ऑन्टू फंक्शन होता है उसमें रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा, इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन एफ सच दैट ए टू बी देन कोडोमेन इक्वल टू आर। बेटा यदि किसी किसी फंक्शन में कोडोमेन नहीं गिवन होगी तो उसको हम लोग कोडोमेन को क्या हम पुट कर लेंगे, आर। ओके एनी सॉरी आर रियल नंबर। अब यहां से बेटा, इफ ए फंक्शन आर नॉट ऑन टू फंक्शन देन इट इज कॉल्ड इन टू फंक्शन, जो बेटा पहले मैंने बता रखा है ऑलरेडी। बेटा जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा उसको हम लोग इन टू फंक्शन बोल देंगे। ओके ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इल ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। बेटा आपको कभी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिख जाए, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आप समझ रहे हैं जिसकी डिग्री 1, 3, 5, 7, 9, ये बेटा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आपको जैसे ही दिख जाए तो उसमें कुछ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली बोल सकते हैं वो ऑन टू फंक्शन होगा। ओके बताइए बेटा, यहां तक किसी को डाउट है? अरे ऑड सर डिग्री ऑन वाले का टू, एग्जांपल दो ना हाँ ऑड डिग्री वाला एग्जांपल दे रहे हैं, उसका तो देंगे ही। सर। बोलिए बेटा। सर सर हाँ बोलिए, एक्सक्यूज हाँ मी सर, बोलिए बेटा। सर ये रिपीट करो ना, मैं जस्ट ज्वाइन हुआ सर। ओके ठीक है बेटा, लेट वाई देखो ऑन टू हमने बेटा कल आप लास्ट लास्ट थे कि नहीं, कल लास्ट लेक्चर में थे कि नहीं आप, मतलब फ्राइडे को जो लेक्चर हुआ था अपना। ओके बेटा देखते हैं, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। बेटा ऑन टू फंक्शन इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे वन वन फंक्शन को हमने क्या बोला था, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ओके तो वैसे यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बोलो या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलो, यहाँ पर बेटा लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, एक फंक्शन ले लेते हैं सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन इज एसोसिएटेड बाय एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन दैट्स द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन्टू फंक्शन। बेटा इसमें मैपिंग मान लीजिए, दो सेट हम ए और बी मान लेते हैं यहाँ पर, इसमें दोनों की मैपिंग देखते हैं। यहाँ पर बेटा जो कोडोमेन से ईच एंड एवरी एलिमेंट डोमेन के कम से कम एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। ओके यहाँ एक से ज्यादा भी इससे एसोसिएटेड हो सकता है, बट कम से कम एट लीस्ट वन एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। ओके कोडोमेन का डोमेन के एक एलिमेंट से कम एसोसिएटेड होगा। अब आगे देखिए, यहां पर बेटा फंक्शन ए टू बी, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए बेटा कोडोमेन में एक एलिमेंट बच रहा है जो डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसको ऑन टू नहीं बोलेंगे और इसको हम लोग ऑन टू बोल रहे हैं। ओके तो जो बेटा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो उसको हम लोग इन टू फंक्शन बोल देते हैं। ओके देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, सर जिसमें एक बचेगा तो कोडोमेन में उसको हम ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। नो बेटा, एक दो तीन मतलब कुछ भी, मतलब यहाँ होना चाहिए
बेटा इसमें जो कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए आंटू होने के लिए जो डोमेन से एसोसिएटेड ना हो। ओके, यदि एक एलिमेंट हो या दो एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट बच जाए, मतलब सारे एलिमेंट डोमेन के साथ एसोसिएटेड है, तब तो वो आंटू है, अदरवाइज वो आंटू नहीं है। ठीक, हमें इतना याद रखना है। ओके, क्लियर हुआ बेटा? सर बोलिए बेटा। सर ये ऑनटू फंक्शन तो मेनी ऑन फंक्शन के जैसा ही हुआ। नहीं 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 बेटा, मेनी वन फंक्शन तो देखो, मेनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोली थी, मेनी वन फंक्शन में किसी डोमेन को डोमेन का एट मतलब मेनी वन फंक्शन में क्या होना चाहिए, को डोमेन का डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर इसका को डोमेन का एक एलिमेंट है, ये तो मेनी वन हो गई होगा, वो तो नहीं, मेनी वन 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 जो है वो तो अलग डेफिनेशन। यहाँ पर आंटू, आंटू और इनटू के लिए क्या होगी कि आंटू के लिए कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो डोमेन से एसोसिएटेड ना हो। ओके, अदरवाइज वो इनटू हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये तो मेनी वन हो गई होगा, बट मेनी वन अभी हम नहीं देख रहे हैं, आगे चल के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मेनी वन, आंटू, इनटू, ऑन वन सब कुछ देखेंगे। ओके, आप समझ में बेटा? आपको ये मेनी वन होगा और ये आपका वन वन होगा, ये बट इनटू है, बट ये वन वन होगा क्योंकि देखिए कोडोमेन का ईच मतलब डोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, वन वन और इनटू होगा, और इसको हम क्या बोल देंगे, मेनी वन ऑन टू बोल देंगे। ओके, समझ में आया? क्योंकि हम लोगों ने वन वन और मेनी वन पढ़ रखा है, तो इसलिए यहां पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इसको क्या बोल सकते हैं, वन वन ऑन टू, सॉरी वन वन इन टू। ओके, अब बेटा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, इन ऑन टू फंक्शन। बेटा आंटू फंक्शन में रेंज जो होगी वो कोडोमेन के इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन एफ सच दैट ए टू बी, देन कोडोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ओके बेटा, जब भी आंटू फंक्शन बोला जाए आपसे, उसमें कोडोमेन नहीं दी रखी या रेंज नहीं दे रखी, तो उसकी जो रेंज और कोडोमेन होगी वो एनी रियल नंबर होगी या ऑल रियल नंबर होगी। ओके बेटा, अगला पॉइंट, If a function are not onto function, then it is called into function. ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है यहाँ पर, मैपिंग में ही। बेटा जो function onto नहीं होगा उसको हम into function बोल देंगे। ओके, अगला पॉइंट, all degree polynomial is always onto function. बेटा जितने भी odd degree polynomial होंगे वो always onto function होंगे। इसमें आपको जब जैसे ही odd degree polynomial आपको दिख जाए, आपको बिना कुछ पेन चलाए आपको डायरेक्टली बोल देना ये फंक्शन आंटू होगा। ओके, एग्जांपल दो ना। हाँ दे रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, पहले इसके कुछ पॉइंट लिखा देते हैं, फिर आपको हम दे रहे हैं एग्जांपल, या देते हैं अभी, पहले ही दे देते हैं। ठीक है, इसको बेटा क्लियर कर दूं। एग्जाम में सर ये ऑनटू फंक्शन ही आएगा या सब्जेक्ट टाइम फंक्शन से भी बोल सकते हैं? बेटा सब्जेक्टिव फंक्शन ही ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि आंटू, इनटू, वन वन, मेनी वन ये तो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, और सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव अभी और इंजेक्टिव, ये तीन नाम जो सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, मैंने इंजेक्टिव किसको बोला, वन वन फंक्शन को, सर्जेक्टिव किसको बोला, ऑन टू फंक्शन को, अभी बाइजेक्टिव बेटा आएगा वो वन वन और ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, अभी देखते हैं कोई एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। जो बेटा ऑड डिग्री पॉलीनोमियल वाला है, ये सारे क्वेश्चन जब हम कराएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके। ठीक है, बेटा जैसे यहाँ पर जैसे हमने कुछ पीएनसी का यूज किया था वन वन फंक्शन के लिए, तो वैसे यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के लिए भी थोड़ा सा पीएनसी का यूज करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट सेट ए में एन एलिमेंट है, सेट बी में एम एलिमेंट। ओके बेटा, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसका भी बेटा जो होता है फॉर्मूला ऐसे होता है, एन की पावर एम माइनस एन सी वन, एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन से टू, एन माइनस टू की पावर एम माइनस, बेटा यहाँ पर एन की पावर एम माइनस एन सी वन
एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर एम माइनस, ऐसे ही चलता चला जाएगा बेटा। ओके, अब जैसे यहां पर क्या होगा, माइनस एन सी थ्री एन माइनस थ्री की पावर एम। ओके, फिर नेक्स्ट प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ऐसे फिर प्लस आएगा, माइनस ऐसे डेड डैश करते चला जाएगा। ठीक है, जब तक हमें जैसे यहाँ पर एन और एम मतलब एन और एम जैसे यहाँ पर फाइव दे रखे हैं तो हमें यहाँ फाइव तक ले जाना पड़ेगा, ऐसे ही फोर दे रखे हो तो फोर तक ऐसे ही ले जाना है। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स, द फंक्शन y इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अब बेटा जो मैंने अभी बाइजेक्टिव का नाम लिया था वो पॉइंट यहां लिखे दे रहा हूं, इफ ए फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, बेटा वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, मैपिंग के थ्रू ही समझते हैं। कोई हमने दो मैपिंग बना ली, एफ ए टू बी। ओके, वन वन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोडोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट डोमेन के एट मोस्ट वन एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। और ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो डोमेन से एसोसिएटेड ना हो। ओके okay? तो बताइए बेटा, ये फंक्शन आपको वन वन और ऑन टू दिख रहा है? यस सर। इसको लिख सकते हैं वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव। ओके बेटा, इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगला बताना, बेटा इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन तो हो गया, और क्या बोलेंगे? मेनी वन इनटू बोलेंगे। ठीक है, यही बोलेंगे मेनी वन। ओके, मेनी वन इनटू। नेक्स्ट बताना बेटा, बेटा इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? ये फंक्शन या मैपिंग कुछ भी बोल दे, इसको क्या बोलेंगे? वन वन इनटू, वन वन इनटू, वन वन इनटू। बेटा सबको क्लियर हो रही चीजें या नहीं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस सर। यस सर, वन वन इनटू। ओके, मैपिंग से सारी चीज समझ में आ रही है? बेटा इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन, मैनी वन ऑन टू। ओके बेटा, ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। सर, फर्स्ट वाला पॉइंट एक बार वापस समझाओ ना। ये बेटा लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट, बेटा इसमें दो सेट्स हैं जिसमें सेट ए में, जैसे देखो यहाँ पर कितने सेट ए में एलिमेंट, फोर हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, फोर इसमें भी हैं, बट यहाँ भी बेटा एक कंडीशन, ठीक है,
यहाँ जो होगी m जो होंगे, ये मैंने सॉरी भूल गया लिखना, m जो लेस देन और इक्वल टू n होगा, ओके, m n के बराबर भी हो सकता और कम होगा, m बड़ा नहीं होगा, ओके, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये फार्मूला होता है, इसमें कुछ समझाने लायक तो है ही नहीं है, जो बुक में दिया होता वही मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे उसके लिए क्या होता था, एम पी आर एम पी एन ऐसे होता था ना, वन वन के लिए एम पी एन होता था, यहां पर क्या होता था एम इज ग्रेटर देन एन, वैसे यहां पर क्या बोला गया है, एन एन की पावर एम माइनस एन सी वन, एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू, एन माइनस टू की पावर एम, जहां पर m इज लेस देन आर इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूले हो दोनों। इसमें बेसिस तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभी ये है कि बहुत ज्यादा हम लोग किस्मत खराब हो तो जेई पूछ ही सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है बेटा। इस पे बेसिस पे ये जो फार्मूला है ना, इस पे बेसिस पे आप हमें क्वेश्चन करके बताइए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं पहले, फिर क्वेश्चन करके बताइए आपको। एन ए इक्वल टू फोर, एन बी इक्वल टू फोर, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन करके बताइए देख। और प्लीज सब कोई ट्राई किया करिए, ये नहीं कि एक दो बच्चे कर रहे हैं अदरवाइज बैठे हैं, ऐसा मत करना। अब मुझे काफी बच्चों का नाम याद हो गया, जैसे भूमिका, तिसराज, जैनिल, जैनम सा, प्रथम, शुभम, प्रथम दो हैं वो तो ठीक है, अच्छा प्रणम नाम उसको, प्रथम नहीं नाम, एक का प्रणम एक का प्रथम, ओके बात नहीं, सर दो प्रथम है सर, अच्छा दो प्रथम है, एक का प्रणम भी नाम है ना, ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे बच्चों के नाम मुझे याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है क्वेश्चन करिए आप लोग। सर 488 जो भी आया मुझे आंसर नहीं पता, मैंने फिर बोला करता हूँ, मैं मुझे आंसर ज्यादातर नहीं, क्वेश्चन में ऐसे बना दिया हूँ, मुझे आंसर नहीं पता इसका, और बच्चों को निकल आने दीजिए प्लीज, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, 4 की पावर 4 माइनस 4 सी वन, 4 माइनस 1 की पावर 4 4 सी टू, ऐसे ही किया ना बेटा प्रथम, जिसने बोला भी आंसर, यस सर, 4 माइनस 4 सी 3, 4 माइनस 3 की पावर 4, 4 सी 4,
बेटा और किसी बच्चे का आंसर आया? सर मेरा 25 आया। Okay. मेरा 32। सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर, प्लीज एक बार चेक करो यार, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैसे निकाल रहे हो। सर 24 आ रहा है आंसर। 24 आ रहा है, राइट आंसर। यस सर 24। सर वो मैंने पहले गलत किया था। ओके यस राइट आंसर बेटा 24। ओके बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसका 24 नहीं आ रहा हो? सबका बेटा 24 आ गया? आप लोग रिप्लाई कर दिया करिए। यस सर। एटलीस्ट क्लास में 4 to 5 स्टूडेंट तो इमीडिएटली रिप्लाई किया करिए, ठीक है, ताकि ये कंफर्म मान के चल दें कि नहीं हो सबका आ गया हो। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम लोगों ने जितना पढ़ा 1, 1, 2, 2, many, 1 इनके बारे में अब कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला है क्वेश्चन सर वो ऑड डिग्री पॉलीनोमियल वाले। हाँ वही से स्टार्ट ही होगा बेटा, वो पहला ही बोर्ड का आपका, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन यही होता है आपका। ठीक है, जब भी इनटू वन टू के बारे में पूछा जाता है तब भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3। बेटा ऑड डिग्री पॉलीनोमियल है? यस सर। ओके तो इसको जैसे ही देखा आपने क्या बोल दिया? वन टू। हमने पहले ही बोल देना, इसमें आपको कोई भी पेन और कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जैसे ही ऑड डिग्री पॉलीनोमियल दिखे आप तुरंत उसको वन टू बोल सकते हैं। ओके बोलना ही है, मतलब पेन वाला तो वर्ड ही नहीं है, बोलना ही है। ओके अब बेटा देखिए, अब वन वन और मेनी वन के लिए कैसे चेक करते हैं? बेटा ऑड डिग्री पॉलीनोमियल का थोड़ा सा अभी आपको ये चीज में भी कम समझ में आए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी सॉरी जब मोनोटोनिसिटी या मैक्सिमम जब पढ़ाएंगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, बट अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते बेटा ये जो इसका यदि एफ डैश एक्स निकाल दिया जाए, एफ डैश एक्स निकालना आता है बेटा आपको सबको, डिफरेंशिएशन a1 तो पढ़ रखे होंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 4x प्लस 5, यही आएगा बेटा, बोलिए। यस सर। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक बन गया एफ डैश एक्स। अब बेटा यदि ये क्वाड्रेटिक बन गया तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा 1 1 और आन टू सॉरी 1 1 और मेनी 1 सॉल्व होगा। आन टू तो हमको तुरंत निकला है, बट 1 1 और मेनी 1 निकालने के लिए इस डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक को कुछ प्रॉपर्टी होती है, या इसका हम ग्राफ बना के, हमने ग्राफ ड्रॉ करना आपको बता ही रखा है, तो इसमें कुछ सम प्रॉपर्टीज आप क्वाड्रेटिक देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, या ग्राफ ही मतलब मेनली इसका ग्राफ प्लॉट करने का ही काम करिए आप लोग। क्वाड्रेटिक जैसे ही आए आपको ग्राफ प्लॉट करिए, इसके बाद आप लोग, मैंने ग्राफ के लिए भी समझा रखा है कि मेनी वन कब होगा और वन वन कब होगा। ओके देखते हैं इसका बेटा, यहाँ से देख के ये चीज क्या लग रही है आपको? पहले इसके सबसे पहले a इज ग्रेटर देन 0 दिख रहा है आपको, एंड अब इसका d के बारे में डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। यहाँ से a इक्वल टू कितना है? 3। b इक्वल टू कितना है? माइनस 4। एंड c इक्वल टू 5, देन माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 3 कितना है बेटा? 16 माइनस 20 माइनस 60 सॉरी 22 इंटू 3 60। तो बेटा ये d क्या है? d इज लेस देन 0 बेटा, d लेस देन 0 है, e ग्रेटर देन 0 है। ओके तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका बस आपको जैसे ही डी लेस देन जीरो ग्राफ भी मत देखिए, केवल आपको थोड़ा सा अभी माइंड में बसाने की जरूरत है, इसके बाद जब मैक्सिमम इनमें मोनोटोनोसिटी पढ़ लेंगे आप लोग तो आपको सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए आप लोग, डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो,
तो ये बेटा जो एफ डैश एक्स है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, पहली चीज ये बताइए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना बेटा। प्रथम इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताइए कैसा बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा कि और बनेगा? सर डी लेस देन जीरो है तो सर कुछ फर्क हो तो सर पता नहीं उसका। डी लेस देन जीरो उसका ग्राफ ही नहीं ड्रॉ कर सकते बेटा। मैंने बताया था इफ डी ग्रेटर देन जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स एंड रियल एंड अनइक्वल मतलब ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनेगा। ओके जब बेटा डी इक्वल टू जीरो हो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो कुछ ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। डी लेस देन जीरो है और ए इसमें बेटा सब में ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा तो ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके अब बेटा डी इज ग्रेटर देन जीरो ए इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पर क्या कैसा ग्राफ बनेगा, उस साइड का बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। यदि यहाँ पर ए लेस देन जीरो होता डी लेस देन जीरो होता तो ग्राफ ऐसा बनता। अब कंफर्म हुआ? यस सर। ओके तो बेटा यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जो एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेटिक को डी लेस देन जीरो आया ए ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर जो ग्राफ ये पूरा है ये जो ग्राफ है आपका ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा सर कैसे पर ऐसे? देखो बेटा ये जो y एक्सेस के अकॉर्डिंग देखते हैं y, देखो बेटा y जीरो के ऊपर रहेगा ग्राफ तो पॉजिटिव, y के जैसे ये जीरो है इसके नीचे जैसे ग्राफ जाएगा तो निगेटिव रहेगा। और यहाँ पर बेटा जो जीरो के ऊपर ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू है ना y की तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं ग्राफ। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है d इज लेस देन जीरो तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा ड्रा होगा, तो जैसे ही ग्राफ कुछ आपका ऐसा ड्रा होगा तो इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ में आया? देखिए इसमें देखो x की निगेटिव वैल्यू रख के देखो y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, x की पॉजिटिव वैल्यू रख के देखो y की भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है अब आपको समझ में आया f dash x is greater than 0 होगा ऑलवेज। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ओके बेटा यहां से यदि आपको f dash x greater than 0 आ गया तो ये बेटा फंक्शन जो होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन और ये बेटा ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन जो ये क्यूबिक है बेटा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी। ये बेटा क्यूबिक ऑलवेज इंक्रीजिंग है या मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था यदि बेटा क्यूबिक या कोई भी फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो तो वो फंक्शन बेटा 1-1 होगा। ओके ये फंक्शन अब यदि f dash x is greater than 0 तो ये फंक्शन 1-1 होगा। क्या बोल एक बार फिर से रिपीट करो। देखो बेटा आपको हमें क्वाड्रेटिक एक कोई इक्वेशन दी गई तो बेटा क्वाड्रेटिक नहीं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दी गई तो हम पहली चीज क्या चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल बेटा ऑड डिग्री है इवन डिग्री है। ऑड डिग्री चेक हो गई ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल चेक हो गई यहाँ पर ये पॉलिनोमियल ऑड डिग्री है। तो ऑड डिग्री होने के साथ साथ मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक रूल ही बताया था जैसे ही बेटा आपको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिखे तो आप क्या करेंगे उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन। ओके उसमें कोई भी पेन चलाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बेटा क्या है ऑन टू फंक्शन तो हो गया, अब 1-1 और मेनी 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1-1 और मेनी 1 चेक करने के लिए बेटा क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। एफ डैश एक्स निकाल लिया तो बेटा 3x² - 4x + 5। ओके डिफरेंशिएशन में तो डाउट नहीं है किसी को बेटा, हो तो पूछ लेना नहीं अदरवाइज जो अगला क्वेश्चन क्यूबिक का ही दूंगा फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी फिर बोल रहा हूँ कि यदि आपको डाउट हो डिफरेंशिएशन में तो पूछ लीजिए प्लीज। बेटा किसी को नो डाउट? ओके बेटा यहाँ से अब ये क्वाड्रेटिक बन गई डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमको कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख गई या मतलब 2 डिग्री पॉलीनोमियल दिख गई। अब बेटा जैसे अब इसको हम एफ डैश एक्स से ही 1-1 और मेनी 1 के बारे में डिसाइड करेंगे। मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया है कि एफ डैश एक्स ऑलवेज मतलब यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो ये जो बेटे दोनों कंडीशन आ रही हैं तो ये फंक्शन जो होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ओके ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो
तो बेटा यदि ऑलवेज जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो फंक्शन हमेशा वन वन होता है। ओके, यदि बेटा फंक्शन कुछ आपका ऐसा आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है किसी पॉइंट पे और किस सर्टेन पॉइंट पे डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वो फंक्शन मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपको मैं ग्राफ के थ्रू इसको समझाता हूँ। देखिए कुछ, जैसे मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कुछ ड्रॉ करोगे आप, देखो यहाँ पर कितने पॉइंट पर, 1, 2, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन मिनिमम हो गया। ओके, यदि बेटा ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ ऐसे ही आएगा, मान लो तो यहाँ पर देखो बेटा कुछ पॉइंट कट करोगे तो आपको देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां पर ग्राफ को एट मोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, तो ये फंक्शन 1-1 होगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें ए ग्रेटर देन 0 निकाल लिया, डी इक्वल डी इज लेस देन 0 आया, तो क्वाड्रेटिक क्या होगी, जो क्वाड्रेटिक होगी वो ऑलवेज अपवर्ड पैराबोला के साथ वाई एक्सिस के साथ ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो क्वाड्रेटिक होगी वो वाई के पॉजिटिव में बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेटा एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यदि बेटा मैंने, अब देखो यहाँ पर एफ एक्स एफ डैश एक्स आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज 1-1। ओके, अब समझ में आया सर? बताइए बेटा। सर इसका मतलब अगर सर हमारा एफ डैश एक्स में सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो सर वो 1-1 फंक्शन ही होगा ना? नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक यदि बी इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उसमें रूट्स 2 हो जाएंगे ना। उसमें देखो यदि यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आप ही अपना दिमाग लगाओ, उसमें 2 रूट्स आएंगे। यदि 2 रूट्स क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं रियल, इसमें देखो बेटा एक और बिल्कुल सिंपल, देखो अभी आपके पूछने पे मेरे पे समझ में आ गया। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, रूट्स आर यदि क्वाड्रेटिक निकल के आ रही, क्वाड्रेटिक के रूट्स इसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इमेजिनरी है। और यदि आप डी इज ग्रेटर देन 0 निकल गया है तो क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह का बनेगी। यदि बेटा क्वाड्रेटिक में देखो यहाँ पर कुछ फंक्शन क्या है, फंक्शन का कुछ पार्ट पॉजिटिव और एंड कुछ पार्ट निगेटिव है। यदि फंक्शन का कुछ पार्ट पॉजिटिव है और कुछ पार्ट निगेटिव है तो वो फंक्शन मिनिमम फंक्शन होगा। ओके, आप समझ में आया? पर सर ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही है ना? नहीं बेटा, फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट देखो यहाँ पर क्या बोला, एफ एक्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर बेटा इस कंडीशन में जो आपने बोला जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा ना, ये नेगेटिव जा रहा है ना, देखो आप इतना फंक्शन ये नेगेटिव पूरा एक बार f डैश वाला ग्राफ और सब एक दूसरे पेज में सर ये पूरा मैश हो गया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। फिकर इसको मैं रख करके देखो बेटा, यदि यहाँ से आपसे बोला जाए f डैश x कोई क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक अभी जो क्या थी इसका क्या निकल के आया था बेटा बताइए आप, 3x square क्या आई थी निकल के, क्वाड्रेटिक जो अभी आई थी 3x² - 4x + 5। ओके, अब बेटा देखो यहां से a इज ग्रेटर देन 0 ये तो दिख रहा है आपको, b इज लेस देन 0 ये भी दिख गया, तो बेटा ये दो चीज हमको दिख गई, तो इस पे हम कुछ क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में हम ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं, दो चीज दिख गई हमको, तो बेटा कुछ ग्राफ आपका ऐसे आएगा। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको ग्राफ ड्रॉ करने पे? सर इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, अब बेटा देखो ये फंक्शन जो है एफ डैश एक्स है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताइए आप। देखिए जो एफ डैश एक्स है ऑलवेज, यहाँ देखो ये 0 है तो यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं बताइए आप। यस सर। ओके यस सर, तो यहाँ पर बेटा यदि फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, जब भी मैंने अभी क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला था, यदि फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो देन फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। ओके, यदि फंक्शन का कुछ पोर्शन पॉजिटिव भी आ रहा है और कुछ पोर्शन नेगेटिव आ रहा है वो मिनिमम फंक्शन होगा। ओके, अब समझ में आया? अब देखो जैसे यदि मान लो कैसे होगा, देखो बेटा जैसे यदि मान लो कोई क्वाड्रेटिक ऐसे, देखो क्वाड्रेटिक ही लेके चलता हूं, जैसे ये क्वाड्रेटिक ये मान लो एफ डैश एक्स है, इसका आया एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। इसका बेटा देखो ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड डी निकालिए, डी निकालिए बेटा कितना आएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 6 × 1। ओके, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24, बेटा यहां से क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0 आया, डी इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, कुछ क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में बनेगी बेटा, यस या नो? यस सर। ओके, अब बेटा इस फॉर्म में बनी, तो देखो अब जो एफ डैश एक्स है इसका कुछ पोर्शन, देखो ग्राफ का कुछ पोर्शन इसको तो हम पॉजिटिव बोल देंगे,
अब बेटा देखो ये वाला जो पोर्शन है ये निगेटिव पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ पोर्शन निगेटिव है कि नहीं इसमें? यस बेटा, अब जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक का कुछ पोर्शन पॉजिटिव और कुछ पोर्शन निगेटिव आ जाए तो वो फंक्शन मिनिमम फंक्शन होगा। ओके, ये अभी आपको क्या रूल होता है, ऐसा होगा कैसे? जब आप मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, मोनोटोनोसिटी पढ़ेंगे, तब आपको बेटा सारी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज अभी उतना अच्छे से विजिबिलिटी नहीं आ पाएगी। अभी आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखना है कि सर ने क्या बताया था, यदि फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव होगा, जो एफ डैश एक्स है ये एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज निगेटिव हो, मतलब जैसे मान लो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो तो फंक्शन वन वन होगा, यदि फंक्शन क्या है एफ डैश एक्स जो है कुछ जगह पॉजिटिव आ रहा है कुछ जगह निगेटिव आ रहा है, ठीक है, कुछ पोर्शन पॉजिटिव आ रहा है कुछ पोर्शन निगेटिव आ रहा है, तो वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम फंक्शन। ओके सर, मतलब तो सर d इज इक्वल टू 0 पर भी सर मिनिमम ही होगा ना? d इक्वल टू 0 पर गाइस आपको, आप लोग बेटा खुद ही इतना होशियार हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। आप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब देखना एक अगली क्वार्ट, आप अगली क्यूबिक पॉलीनोमियल देखता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट में भी मुझे जो लगता है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, यदि आप लोग खुद एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, करेंगे बेटा आप लोग? एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² माइनस 18x प्लस 17। बेटा इसके बारे में आपको वन वन और मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन या मतलब इस क्यूबिक को देख के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, वन वन मेनी वन वन टू इन टू, ठीक है? पहली चीज तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे क्यूबिक देखा आपने इसको क्या बोल दिया, वन टू। ओके, अब आपको बेटा वन वन और मेनी वन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकाल लो आप लोग खुद ही करिए इसको, फिर मैं बताता हूँ, दो मिनट का टाइम है आप लोगों का। सर वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन होगा सर, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है सर। बेटा डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो मेनी वन होगा, पहली चीज आपको डी इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कुछ ग्राफ आप कैसे बनेगा, तो बेटा इसमें कुछ पोर्शन पॉजिटिव कुछ पोर्शन नेगेटिव आप लोगों ने वन वन कैसे किया, पहले ये बताइए। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बार बार बोला ये चीज, जब भी बेटा आपको डी इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो कुछ आप ग्राफ ड्रॉ कर ले, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखिए एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, कुछ जगह पॉजिटिव आ रहा है और कुछ जगह नेगेटिव आ रहा है, यदि पॉजिटिव नेगेटिव साइन में ऐसे आ रहा है तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। बताइए कैसे किया आप लोगों ने, इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हैं, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ सर। वो हाँ बताइए सर, वो आंसर दूसरे क्वेश्चन ने दिया, डी ग्रेटर देन 0 वाला मैं बोला है। अच्छा डी ग्रेटर देन 0 आ गया, माइनस की साइन कैलकुलेशन मिस्टेक थी इसलिए सर डी नेगेटिव आ गया था मेरा। तो कोई बात नहीं, ये चीज आंसर तो मैंने बनी आया है। हाँ मैंने बनाएगा ना, अब आपको बताओ क्लियर हो रहा है, यदि जैसे कोई क्वाड्रेटिक, ये देखो एक क्वेश्चन और, इसको करने की जरूरत है बेटा, सबसे हो गया सर, एक और करके बता दूं, देखते हैं। यस सर, 2 into 6
कितना है, 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 12x माइनस 18, ओके ये बेटा आ गया। अब यहाँ से a इज ग्रेटर देन 0 तो हमें दिख रहा है, फिर क्या करेंगे, d निकालेंगे, d निकालने के लिए माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 18 इंटू 6, ओके तो यहाँ से 144 और बेटा ये भी प्लस हो जाएगा। तो मुझे सब इसको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, केवल हमें ये पता लगाना है कि d ग्रेटर देन 0 होगा लेस देन 0 होगा। ये जब बेटा पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई 24 इंटू 18 तो ये d क्या बोल सकते हैं, d इज ग्रेटर देन 0। बेटा जैसे d इज ग्रेटर देन 0 बोला तो हमें कुछ ग्राफ इस तरह का दिखेगा, इस तरह ग्राफ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, जो f डैश x होगा वो कुछ जगह पे पॉजिटिव होगा कुछ जगह पे निगेटिव हो रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन्यू मेन्यू। ओके बेटा मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी बताया है, बताया है ना, क्वाड्रेटिक का भी क्यूबिक का भी। आप इसमें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 रख के देखिए, इस क्वाड सॉरी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए बेटा, ग्राफ से भी आपको 1-1 और सॉरी मेनी 1 और अनटू फंक्शन पता लग जाएगा। इसका मैं कुछ रफली ग्राफ ड्रॉ करो, ये आप लोग थोड़ा सा एक मिनट का टाइम आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करिए, रफली करिए बेटा। एक मिनट का टाइम है आपके पास, ना ड्रॉ कर पाए तो मैं देखो बेटा रफली कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ओके जिसमें कुछ पॉइंट तो बहुत दूर दूर जाएंगे बट मैं फिर भी एक बार ये कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा। ओके इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, प्रथम बेटा बताओ ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, ये फंक्शन 1-1 होगा या मेनी 1 होगा, ग्राफ को देख के बताना है आपको। मेनी 1 होगा, मेनी 1 होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स ये जो ग्राफ मैंने बेटा बताया ना रफली ये आप लोग एग्जैक्ट भी ग्राफ ऐसे ही कुछ दिखेगा। ठीक है बेटा इसको यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें तो इसमें देखो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे एटमार्ट 1 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो डायरेक्टली अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं मेनी 1। ये दुनिया का जो लेथन है इसको ना निकालने की वजह से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसको हमें अब सारे पॉइंट सारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनका ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है कॉन्सेप्ट इसका बेसिकली यही होता है। अब समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके बेटा एक क्वेश्चन और है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x इसके बारे में बताइए आप, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x एंड कॉस 2x इन दोनों फंक्शन के बारे में बताइए आप हमें, अन टू होगा 1-1 होगा इन टू होगा मेनी 1 होगा आप बताइए, और जितने जिसमें हम इसकी डोमेन रेंज भी डिसाइड के दे रहे हैं माइनस 1 टू 1 से जो रेंज होगी, डोमेन माइनस 1 से 1 एंड रेंज भी माइनस 1 से 1 बताइए बेटा। सर दोनों मेनी 1 फंक्शन तो होंगे? हाँ मेनी 1 तो होंगे क्योंकि आपको पहले चीज यही दिख गई होगी साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो मेनी 1 तो हो गया। अब आन टू और इन टू बताइए इन दोनों डोमेनों आप ग्राफ प्लीज बना के ही बताना, अदरवाइज ऐसे बताओगे आपका तुरंत गलत हो जाएगा। बताओ आन टू और इन टू बताओ, पहले साइन एक्स का बताते हैं, कॉस एक्स का आप लोग घर पे ट्राई करना, ये होमवर्क में मैं दे देता हूँ। साइन एक्स का बताइए, ऑन टू हो गया इन टू होगा बेटा, ये मेनी वन फंक्शन है, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? इस सर्टेन डोमेन और सर्टेन रेंज में होल डोमेन एंड होल डोमेन नहीं है साइन, ठीक है इसमें देखो यहाँ कहीं माइनस 1 होगा और यहाँ कहीं, पहले देखो हम साइन एक्स का ग्राफ कुछ बना लेते हैं,
पहले ही गलती हो गई। ये क्या होता बेटा माइनस का पाई बाई टू, यहाँ पर पाई बाई टू, बट हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए डोमेन इसकी कहाँ से कहाँ तक दी गई, मतलब एक्स एक्सिस में माइनस वन टू वन, रेंज कहाँ से कहाँ तक दी गई है वन टू माइनस वन, बताइए बेटा ऐसे कुछ इसका ग्राफ होगा। अब आप लोग इसका डिसाइड करिए फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा। सर ऑन टू, हाँ ऑन टू होगा। ठीक रिद्धि बेटा आपने कैसे बताया ये आप हमें बताइए। सर सर क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज x sin 2x की मतलब कि 1 भी आ रही है 0 भी आ रही है और माइनस 1 भी आ रही है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं। हाँ ऐसे कोई में अगर हम जरूर बोलिए बेटा कोडोमेन में अगर हम ले माइनस 1 0 और 1 तो मतलब कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है डोमेन डोमेन के एलिमेंट से। ओके ठीक है बेटा प्रथम तेरा आया कि नहीं आया। नहीं आया सर। नहीं आया अच्छा मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला आपको, चलो ठीक कोई बात नहीं देखते हैं ऑन टू। सर ये फंक्शन मैनी वन है ये तो पहले चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा ठीक है आप चलिए आप अभी डोमेन ना रखिए आप ऐसे मतलब होल डोमेन मतलब इसके डोमेन रेंज के बारे में बताइए इसको छोड़िए आप ऐसे बताइए पहले आप ये चीज इसको पहले बताइए पहले इजी से स्टार्ट करते हैं इसको बारे में बताइए आप ये फंक्शन साइन एक्स टू एक्स क्या होगा कोई हमें डोमेन और कोई रेंज नहीं दी रखती है आप बताओ बताओ तुम पता बताओ बेटा ये देख लेते हैं मैं उसी को बताता हूँ आपको नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं मैं उसी को बता दे रहा हूँ इसका बहुत एग्जैक्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ मीन मतलब इसके थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर बेटा कहीं पाई बाई टू कितना होता है 3.14 अपॉन टू तो कितना आएगा 1. कितना है बेटा बताओ 57 ओके तो यहाँ पर 1.57 हो गया ठीक है और इसका जो ग्राफ होता है साइन एक्स का कुछ ऐसा ही होता है ना पाई बाई टू पे जाता है या पाई पे जाता है पाई पे जाता है या पाई बाई टू पे जाता है ये एक चीज मुझे बताइए पहले आप पाई पे जाता है कि नहीं तो इसका ग्राफ जो है आपका पाई बाई टू पे तो मैक्सिमम ये कुछ वैल्यू ऐसे देगी थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं ऐसे देखा 1.57 ओके अब बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है जो इसका डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक माइनस वन से वन तो बेटा कहीं वन ये यहाँ पर लाइक करेगा कि नहीं लाइक करेगा बताओ आप करेगा अब इसके बाद इधर थोड़ा सा निगेटिव में ड्रॉप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ कहीं पर पाई है यहाँ पर माइनस पाई है अब यहाँ पर बेटा कहीं पर आपका माइनस पाई बाई टू है एंड यहाँ पर आपका माइनस वन अब आपको केवल इस जगह से मैं कलर चेंज करता हूँ इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट के बारे में बताना है आप बताओ अब बेटा क्या बता सकते हैं प्रथम आप सर ऑन टू होगा हाँ ऑन टू होगा अब समझ में आया अब आपको केवल हमने कलर चेंज कर दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बताइए आप देखो बेटा एक इसकी यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे मान लो ये इस पे कुछ अलग वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट पे कुछ अलग वैल्यू दे रहा है आपको समझ में आ रहा है नहीं इस पॉइंट पे कुछ अलग वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट पे कुछ अलग वैल्यू दे रहा है माइनस वन पे कुछ अलग वैल्यू दे रहा है आपको समझ में आया आप समझ में आया कि नहीं अंटू हो गए यस तो सर ये 1-1 फंक्शन ही हो जाएगा ना 1-1 हाँ 1-1 और मेनी वन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें तो 1-1 फंक्शन पूरा ग्राफ नहीं लेना हाँ पूरा ग्राफ नहीं देना यदि
हाँ तो सर आपने जो पॉइंट बताया दो उधर से तो 1-2-1 ही होगा ना, 1-1 ही होगा ना फंक्शन। हाँ यहाँ पर यदि बेटा इसमें यदि डोमेन और रेंज फिक्स कर दिया जाए तो ये फंक्शन 1-1 हो जाएगा। ओके ये आपकी बात क्लियर है। यदि मैं होल मतलब इसमें कोई डोमेन और रेंज नहीं फिक्स करता हूँ तो फंक्शन मैनी वन होगा। ओके ये चीज क्लियर हुई कि नहीं आई, केवल हमें इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक देखना है, रीड करना है तो फंक्शन 1-1 और 1-2 होगा। आप समझ में आया कि नहीं आया बताइए बेटा। ओके अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा, अब एक दो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अच्छे में करवा रहा हूं, इनको आप कोशिश करना बताने की। y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये बेटा केवल 1-1 या मेनी 1 आपको बताना है बताइए, क्योंकि आन टू तो ये क्लियर दिख रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, आन टू तो तुरंत हो जाएगा, 1-1 और मेनी 1 के बारे में बताना है आपको बताइए। थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना, इसको मल्टीप्लाई कराना फिर एफ डैश एक्स निकालना, ये तो मूर्खता हो जाएगी। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और 1-1 मेनी 1 के बारे में पूछा गया है तो इसमें थोड़ा सा आप स्मार्ट दिमाग यूज करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ बेटा, इसको केवल और केवल आप ये बताइए, कोडोमेन पे 0 आ रहा है बेटा, 0 तो 1 पे भी होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा बेटा। कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के 3 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो रहा है तो फंक्शन कैसा होगा बताइए, मेनी वन होगा या नहीं होगा बोलो बेटा। सर नहीं पता, चलो बेटा इसके देखो यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलीनोमियल आपको देख रखी है, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के हमें मतलब रूट फॉर्म में दे रखा है ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए आप, यदि इसमें x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 पे भी 0 हो रहा है, x इक्वल टू 3 पे भी 0 हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर इसको सेट से देख लेते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर कोडोमेन, इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, तो कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के कितने एलिमेंट के साथ, 3 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो ये तो मेनी वन हो गया। आप समझ में आया yes. बेटा यदि आपको वो चीजें ना लेंदी मेथड हम क्यों यूज करें, आपको यदि हम डायरेक्ट फैक्टराइज मेथड से दिया हुआ है तो फैक्टराइज मेथड से रख के देख लो, क्योंकि हमें क्या है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है बोर्ड में नहीं, यदि जेई की प्रिपरेशन रियल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो हमें लेंदी प्रोसेस नहीं। अब क्या है अब बोर्ड में आप सॉल्व करेंगे तो बोर्ड में ऐसे सॉल्व कर देंगे तो एग्जामिनर में भी किसी को समझ में आए किसी को ना समझ, बोर्ड में तो आपको प्रोसेस वही यूज करना पड़ेगा, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद फिर एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स के बाद एफ डैश एक्स निकालिए। अब देखना बेटा इसका एफ डैश एक्स डी इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो कुछ जगह पॉजिटिव होगा कुछ जगह निगेटिव होगा तो फंक्शन मेनी वन आ जाएगा ठीक है। बट हमें क्या है जेई मेंस में क्वेश्चन यदि यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी। क्या होगा यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पे देखो तीनों पॉइंट पे वैल्यू 0 ही आ रही है, तो क्या सर ने क्या बोला था, हमने थोड़ा सा याद करें कोडोमेन का यदि 1-1 होने के लिए क्या होगा, कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के 3 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है तो ये मेनी वन हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया बता बेटा। यस सर। अब जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग, इसका तो इजी से है यार, इसका तो हम ग्राफ ही डायरेक्ट बना लेते हैं, इसका तो ग्राफ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसा ग्राफ होगा बताओ, ग्राफ देख के क्या क्या लग रहा है आपको, ये फंक्शन आन टू होगा या इन टू होगा रिद्धि बेटा बताओ, आन टू होगा ये ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे ही कुछ पढ़ाया ना आप लोगों ने, यहाँ पर फंक्शन आन टू होगा। और बेटा 1-1 या मेनी 1 कैसा होगा बताओ, 1-1 ओके 1-1 होगा, क्योंकि देख लो एक्स अक्ष के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है ओके, इसलिए 1-1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
y इक्वल टू या fx इक्वल टू लिख लेते हैं, fx इक्वल टू 2x square minus x plus 5 upon 7x square plus 2x plus 10. ये फंक्शन को बताइए बेटा आप लोग, 1-1 होगा, un-2 होगा, many-1 होगा, in-2 होगा, क्या होगा? आपके पास 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम है। यहाँ पर f belong R to R में, इसके जो डोमेन भी आ रहा है और रेंज भी आ रहा है। या इस क्वेश्चन के करने के पहले थोड़ा सा और इसके पहले एक दो क्वेश्चन और कर लो आप लोग, और आपको स्ट्रांगनेस आ जाएगी इस क्वेश्चन को बाद में करना। y इक्वल टू 2x प्लस साइन x, पहले बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, y इक्वल टू 2x प्लस साइन x, इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं क्योंकि तो हम लोगों को लोअर से अपर जो जाना है। एक क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन x। ये दोनों क्वेश्चन को बेटा आप लोग पहले करिए। इस फंक्शन को बेटा ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, अभी आप लोगों ने मोनोटोनिसिटी वगैरह इतना अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं, इस फंक्शन को मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, बताइए प्रथम। अब इस क्वेश्चन को देख कर मैंने इतना बोल दिया ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये देखो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग दिख रहा है। अब इसके बारे में टीका टिप्पणी कुछ कीजिए। सर वन वन फंक्शन अन टू इन टू में टीका टिप्पणी कीजिए कुछ, इसमें हम केवल और वन वन और मेनी वन ही देखते हैं, अन टू अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आपने वन वन बता दिया, कैसे बताए हमें ये बताइए यार, हमें नहीं आता है कैसे आ गया। प्रथम इनके ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना, हाँ तो सर, हाँ मैंने हाँ बताया था फंक्शन यदि ऑलवेज इंक्रीजिंग हो रहा है तो हाँ फंक्शन वन वन ओके। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन के बारे में कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इस तरह के मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। यहाँ पर बेटा बस इतनी हिंट दूंगा, इसको आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसे साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर cos x हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, और बेटा cos x के मिनिमम वैल्यू आप रख लेना, बस इतनी हिंट दे रहा हूँ। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, d निकालिए, a निकालिए, उसके बेसिस पे आप बताइए, ठीक है। सिद्धि समझ में आया बेटा क्या करना है? यस सर। हाँ तो इसका f'x निकालिए, f'x यहाँ पर cos x आ जाएगा, cos x के आप मिनिमम वैल्यू रख लेना, मिनिमम वैल्यू जो भी होती है मुझे ये भी नहीं आता, मैंने बता रखा ऑलरेडी आप लोगों को। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, करिए।
सर ऑन टू और वन वन फंक्शन गुड यस सर ऑन टू और वन वन फंक्शन बेटा दो लोगों के अलावा भी और बच्चे हैं 18 टू 20 बच्चे हैं अन्य बच्चा भी थोड़ा सा मुझे बता दे मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बताओ आप लोग कॉन्फिडेंस मेरा भी इंक्रीज कर दो यहाँ से क्या निकालेंगे वाई डैश एक्स क्या आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस कॉस एक्स ओके अब बेटा यहाँ पर कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है रिद्धि और प्रथम के अलावा बताएगा आप दो लोग शांत रहा करिए बताइए भूमिका भूमिका नाम की गर्ल से बताइए बेटा क्या होगी कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू भूमिका बताइए बेटा सर नहीं आ रहा बेटा कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू आपको अभी माइनस वन ओके बेटा समझ रहा अभी पूछ इतना स्मार्ट मत बनो जिसने बोला है ना स्मार्ट मत बनो ठीक है नहीं आपके लायक भी क्वेश्चन होगा डोंट वरी बेटा देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बेटा जब भी आपको यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी दिख जाए तो आप जो भी फंक्शन यहाँ पर दिखे क्वाड्रेटिक के सॉरी क्यूबिक के साथ आपको दिख जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए तो आपको हमेशा उसकी मिनिमम वैल्यू रख के ही आपको सॉल्व करना है ठीक है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस माइनस 1 ओके यहाँ से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 सबके देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा डी ए तो ग्रेटर देन जीरो है डी क्या आएगा इसका 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब डी इज लेस देन 0 ऐसे कुछ आएगा तो फंक्शन कुछ आपका ऐसे बन जाएगा तो मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन ये तो आपका इसका मतलब एफ डैश एक्स जो इज ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 n और क्यूबिक पॉलीनोमियल दिख रही थी 1 2 होगा ही होगा बेटा सबका आंसर आया कि नहीं आया बताइए आप यस सर ऑलवेज इंक्रीजिंग कैसे होगा सर बेटा ऑलवेज इंक्रीजिंग मैंने अभी लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट थोड़ा सा जो लेक्चर के पहले देखो आप एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स बेटा यदि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो वो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा ओके ये मैंने बताया है देखो लास्ट में यस सर और सर हमने cos x की जगह माइनस वन रखा हाँ तो ठीक है cos x की जगह माइनस वन ही रखा है ये भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक cos x ही नहीं बोल रहा हूँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ sin cos tan sec cos x इनकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही हो विद सर्टेन डोमेन यहाँ पर डोमेन एंड रेंज मैंने क्या बोला था r टू r ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर जैसे tan x और cos x sin x जब भी आपको दिया जाएगा तो उसमें डोमेन और रेंज दिया जाएगा ठीक है यहाँ पर sin x और cos x में डोमेन की जरूरत नहीं होती है हमें ज्यादा क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है साइन एक्स की डोमेन क्या होती है बेटा ऑल रियल वैल्यू रेंज क्या होती है माइनस वन से वन ओके सर तो राइट साइड वाला सर ऑन टू फंक्शन होगा कौन सा ये जो y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स है ये यस सर ये आपको ऑन टू दिख रहा है यस ऑन टू होगा क्योंकि मैंने क्या बताया ऑड डिग्री पॉलीनोमियल दिख रहा है तो आपको क्या होना चाहिए बताइए बेटा ऑड डिग्री पॉलीनोमियल तो पूछिए मत जैसे ही आप ऑड डिग्री पॉलीनोमियल देख रहे हैं उससे मुझसे पूछ के बिल्कुल पूछिए ही मत मुझसे जैसे ही ऑड डिग्री पॉलीनोमियल 1 3 5 ऐसे कभी भी पॉलीनोमियल दिख जाए आपको तुरंत और तुरंत ऑन टू तो बोल ही देना ठीक है बिना सोचे समझे इसीलिए हमने उसमें ऑन टू और इन टू पूछा भी नहीं था कोई मतलब नहीं क्योंकि सबको पता है कि ऑन टू फंक्शन होगा वो समझ में आया बेटा या नहीं आया अभी भी बेटा अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इसमें अभी ये खत्म नहीं हुआ अभी कल मैं इसमें और क्वेश्चन कराऊंगा बट आज हम लोग थोड़े से मैंने फंक्शनल इक्वेशन के 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे थे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हैं वो आपको मैं करा रहा हूँ ठीक है जो आपके जेई मेन्स में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं फंक्शनल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके या इसके पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऑन टू इन टू के बारे में यस सर एक देख लेते हैं ठीक ओके बेटा इसको थोड़ा सा ग्राफ में ही आपको ये ग्राफ आप इसका बनाना आप ट्राई करेंगे तभी ये क्वेश्चन होगा अदरवाइज ये क्वेश्चन होगा नहीं आपसे ठीक है फिर पहले ही बोले दे रहा हूँ मैं एफ आर टू आर एफ बिलोंग्स टू आर
इज डिफाइंड एज, कोशिश करते हैं हम भी आपके साथ ट्राई करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, एम एक्स माइनस वन फॉर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो एंड यहां पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा ये एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन फॉर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो एम एक्स माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आपसे पूछा गया है इफ एफ एक्स इज वन वन, पहले ही बोल दिया गया आपसे कि फंक्शन वन वन है, देन एम मस्ट बी लाइज इन द इंटरवल, कुछ एम को इंटरवल में दिए गए हैं, देखते हैं ए कितना दिया गया है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, बी दिया गया है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, सी दिया हुआ है जीरो टू इनफाइनाइट, सॉरी डी दिया हुआ है आपका जीरो टू इनफाइनाइट। बेटा आप लोग ट्राई करेंगे या मैं ही बताऊं, आप लोग थोड़ा सा एक मिनट क्वेश्चन को रीड करिए पहले क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन बेटा जब 2015 में मैं कोटा में पढ़ता था तो मनोज सिंह चौहान सर ने मुझे पढ़ाया था, ये क्वेश्चन वही है जो मैं जब कभी पढ़ा था तो वही है, वाइब्रेंट एकेडमी में मनोज चौहान सर, शायद आप लोगों ने नाम में भी शायद सुन रखा हो या कुछ बच्चों ने, शायद एक दो बच्चों ने सुन रखा हो या शायद ना भी सुना हो किसी ने। प्रथम कुछ समझ में आ रहा है या मैं बताऊं? नो सर, बिल्कुल ही नहीं, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा क्या करना है इसमें सर, स्टार्ट कहां से करें वही नहीं पता। अच्छा अच्छा ठीक, मैंने पहले ही बोला इसमें ग्राफ से स्टार्ट करना है, ये तो हिंट मैंने दे दी थी। देखो बेटा x इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, अच्छा पहले इस क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये भी डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, इसके d के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा बेटा, सॉरी प्रथम डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा इस क्वाड्रेटिक का, d इक्वल्स टू जीरो सर, ग्रेटर देन जीरो सर, ग्रेटर देन जीरो। बेटा रिद्धि ऐसा मत बोलना जीरो, नहीं हमें कष्ट ना दे देना आप लोग ऐसा करके, ठीक है जीरो जीरो मत बोल दिया करो डायरेक्टली, यहाँ से क्या आ जाएगा डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये चीज तो दिख गई, तो डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, ये चीज आपको पता चल रही है। तो देखो बेटा हमको क्या ये क्वाड्रेटिक केवल हमें कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करनी है, केवल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तक, यहाँ एक्स है ये वाई है, तो बेटा ये कुछ क्वाड्रेटिक को हम ऐसे ड्रॉ कर लें, जीरो तक ही ड्रॉ करनी, जीरो के आगे नहीं ड्रॉ करनी, देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम इसको पूरी ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिर आपको इसको कट कर देंगे। ये कुछ क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगी, प्रथम बताइए यस सर, तो इसको हम कहाँ से कहाँ तक हमें बोला गया, क्योंकि इसमें पहले ही कंडीशन दे रखी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, तो इसको हम ये वाला पोर्शन हटा दें ग्रेटर देन ये वाला, समझ में आया ओके yes. आगे देखते हैं, अब बेटा आगे क्या बोला गया mx इज mx माइनस वन है, ये एक कोई लीनियर टाइप की ग्राफ होगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ ड्रा होगा mx माइनस वन, यदि बेटा m हम मान लेते हैं m पॉजिटिव वैल्यू, पहले ऐसे सर्टेन मान के चलते हैं m पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कुछ आपका ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा होगा कि नहीं होगा बताइए आप, बताइए बेटा रिद्धि कुछ ऐसे ही ड्रा होगा या कुछ और ड्रा होगा? यस सर। अब ये मत गलती से बोल देना सर हमें y इक्वल टू
mx माइनस वन का ग्राफ ही ड्रा करना नहीं आता, ये कुछ ऐसे ही ड्रा होगा। ओके अब देखते हैं, ये फंक्शन वन वन होना चाहिए। तो बेटा बताओ ये आपका ग्राफ, ये दोनों से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने ये मान के चल रहे हैं जो बेटा एम एच ग्रेटर देन जीरो है। एम एच ग्रेटर देन जीरो के लिए मान लो जैसे यहाँ पर x माइनस वन है, x y इक्वल टू x माइनस वन का ग्राफ कुछ हमने ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसे ग्राफ कर दिया। ठीक है, अब बेटा बताओ ये फंक्शन वन वन है या नहीं? प्रथम बोलो बेटा फंक्शन वन वन है नहीं है, नहीं है सर। तो बेटा ये तो हम अजम्पशन गलत कर दिए, यदि हम यहाँ से m is greater than 0 मान के चल रहे थे ये फंक्शन तो मेनी वन हो गया। ठीक, ये अजम्पशन तो गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें m की वैल्यू ही बतानी है इसलिए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं, अब बेटा यदि यहाँ से हम m इक्वल टू 0 मान के चलते हैं, ये 0 से लेस देन m इक्वल टू 0, सर ये पहले m इक्वल टू 0 मानते हैं, m इक्वल टू 0 मानेंगे तो बेटा बताओ ये कुछ पॉइंट ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। बेटा m इक्वल टू यहाँ 0 रख दो तो माइनस वन ऐसे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम बोलो बेटा। तो आप बेटा मतलब बोलो ये फंक्शन आपका वन वन है या मेनी वन, बताइए। मेनी वन है सर, मेनी वन है, क्योंकि यदि ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे तो कांस्टेंट लाइन यदि है तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज मेनी वन होता है। ओके, ये तो पता है ना आपको, क्योंकि इस लाइन से भी दिख रहा है, क्योंकि यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर। अब बेटा बताइए यदि, तो हमें ये चीज तो समझ में आया, यदि m इक्वल टू यहाँ 0 रखे थे, m इक्वल टू 0 रखने पर ये लाइन आई, तो बेटा m इक्वल टू, अब थोड़ा सा माइंड यूज कर लें, m यदि लेस देन 0 रखें, m लेस देन 0 रखे हो गए तो ग्राफ कैसे आएगा बताओ? प्रथम तू बता m लेस देन 0, थोड़ा सा सोच के, गलत मत बताना गलती से भी। प्रथम सर आपने सर जो पहला ग्राफ कहा था ना, दिखाया था ना वो m पॉजिटिव का, सर उसकी उल्टी साइड आ जाएगा। गुड, तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाता हूँ, ड्राइंग मेरी यार वीक है इसीलिए मैं थोड़ा सा मजा नहीं आती। ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो बेटा। प्रथम यस सर। ओके आप बेटा देखो, तो यहाँ पर आपको यदि m हमने लेस देन 0 ले लिया, बेटा m लेस देन 0 लिया हमने, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये इसको हमने हटा दे इसको पहले, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस लाइन को इरेज कर देते हैं। अरे यार चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से करता हूँ। अब ये बताओ बेटा फंक्शन वन वन है या मेनी वन है? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? बेटा सेकंड क्वार्ट यहाँ आगे जाएगा, बट हमें देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो से ही होना चाहिए, तो ये जीरो से बड़ा ही पे लेंगे ना ग्राफ। अब देखो यहाँ पर कंडीशन भी तो दे रखी है, हम क्यों बोले यहाँ पर अब m इज लेस देन जीरो करेंगे तो क्या कुछ ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ तक भी चला जाएगा। ठीक है, बट हमने लेस देन जीरो वाला पोर्शन हटा देना, केवल हमें ग्रेटर देन जीरो के लिए लेना है। समझ में आया आप? यस सर। तो बेटा आप बताओ ये फंक्शन कैसा है, वन वन या मेनी वन? वन वन। बेटा अब तो आप समझदार हो, m इज लेस देन के लिए फंक्शन वन वन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए ए बी सी डी में? ए सर। बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये चार नंबर का जेई मेंस में 2015 मतलब 2015 या 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कंफर्म, बट जेई मेंस का क्वेश्चन है ये मुझे याद है, और रिसेंटली भी आया हो सकता है मुझे पता नहीं है। बताओ बेटा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको रिलैक्स मिल रहा है या मजा नहीं आई बताओ, या इसको फिर से रिपीट करें आप बताओ? रिद्धि बेटा समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन दे दे तो कर लोगे अब आप लोग इसी तरह का? प्रथम कर लेगा अगला क्वेश्चन करोगे आप लोग? रेडी हो? यस सर। ओके बेटा, और बच्चे जो भी हैं रुक जाइए एक सेकंड, मैं फिर से नाम रिपीट किए दे रहा हूँ, रोहन रुद्र मीट, ये कोई क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं? यस सर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके पास 2 मिनट का टाइम रहेगा और सबका सबको ही सही आंसर बताना, ठीक है? हाँ गलत भी बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है,
बट आप लोग प्लीज ट्राई तो करिए एटलीस्ट, इसको मैं रख के दे रहा हूं। सर्जेक्टिव यदि बोल दिया जाए तो फंक्शन क्या होना चाहिए? लेट ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, या इसको एफ सब्जेक्ट आर टू आर भी बोल दे या आर टू आर पे डिफाइंड है, जो बेटा एफ एक्स है एक्स प्लस एम, ग्राफ से ही सॉल्व होगा ये भी क्वेश्चन, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ ये चीज, फॉर एक्स इज लेस देन वन टू एम एक्स माइनस वन, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, इफ एफ एक्स इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव ऑन आर मतलब देन M must be lies in the interval, lies in the interval. Okay, option में दे दे रहा हूँ 0 to 2, ये closed bracket है 0 to 2, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो सी, यहाँ पर ओके ऑप्शन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, इसमें तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन मुझे भी पता नहीं क्या होगा, मतलब तीन में ही कोई सही होगा। जल्दी चलिए स्टार्ट हो जाइए। पहले जैसे मैंने लास्ट ईयर बताया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, x इज लेस देन जीरो के लिए पहले ग्राफ पहला वाला ड्रा किए थे, फिर ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर m में ग्रेटर देन जीरो मानेंगे, लेस देन जीरो मानेंगे, इक्वल टू जीरो मानेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे। या इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग घर से ट्राई करके लाना, क्योंकि यहाँ इसको कम से कम आप लोग 10 मिनट भी सोचिए, 2 मिनट से काम नहीं चलेगा, इसको 10 मिनट सोचिए। प्रथम इसको होमवर्क में दे दें। हेलो, यस सर, यहीं कराऊं या होमवर्क में दूं, बताइए आप। सर ये करवा दो सर, और एक वाला हो तो होमवर्क में दे दूंगा। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, इसको यहीं कर लो। आप लोग प्लीज रिप्लाई किया करिए, मैं सारी चीज आप लोगों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट आज का लेक्चर आपका थोड़ा सा शायद हाफ एन आवर एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी इसके बाद में फंक्शनल इक्वेशन, इस क्वेश्चन के बाद बोलिए बेटा। सर 11 बजे केमिस्ट्री का लेक्चर है सर, 11 बजे केमिस्ट्री का। अच्छा ऐसा कुछ, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, फिर तो फिर कल फंक्शनल इक्वेशन मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको ट्राई करिए थोड़ा सा। ये जो बेटा बच्चे लेक्चर ओवर होने से पहले ही मूव कर जाते हैं, प्लीज मूव मत किया करिए, आप लोग सीरियसली पढ़ाई करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप सेल्फ डिसीजन सेल्फ ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, और पढ़ाई तो एटलीस्ट ढंग से किया करिए। जो बच्चे अभी देखो, एक बच्चा मूव कर गया है, ऐसे मत किया करिए लेक्चर खत्म होने के पहले, या तो आप ज्वाइन ही मत करिए, या तो फिर ज्वाइन करिए तो पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद जाया करिए।
आप लोग अपना करिए, इसको मत देखना। प्रथम कुछ हुआ, कौन सा आंसर आएगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं आ रहा है। अच्छा ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं आ रहा है, क्या तुम ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहा? देखो अब x इज लेस देन 0, सॉरी x इज लेस देन 1, यहाँ पर कहीं 1 होगा, 1। अब बेटा x इज लेस देन 1 के लिए ये ऐसे कुछ ग्राफ होगा कि नहीं होगा बताइए? यदि हम यहाँ पर ये मान लें m इक्वल टू माइनस वन कुछ भी मान के चलो, या यहाँ कर क्या माने, चलो ठीक है, के बारे में भी थोड़ा सा कम डिस्कस करते हैं, बाद में देखते हैं। बताओ इस ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा x इज लेस देन 1 के लिए और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ऐसा कुछ बताइए बेटा, होगा या नहीं होगा? प्रथम Yes, sir. यहाँ पर बेटा कुछ x प्लस वन सॉरी x प्लस m, m को बेटा आप ऐसा करिए पहले आप पॉजिटिव मान के करिए, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव मान के करो तो x इज लेस देन टू वन, मान लो m इक्वल टू वन रख के देख लिया तो कुछ ग्राफ आपका ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ये जो वाली ये वाला ग्राफ है यार, y इक्वल टू x प्लस वन का ग्राफ ड्रा करो पहली चीज, या y इक्वल टू x माइनस सॉरी x माइनस वन का ग्राफ, तो कैसा आएगा? अब यहाँ पर x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू वन, x इक्वल टू माइनस वन रख दो तो y इक्वल टू जीरो, तो कुछ बेटा मैंने बोला कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा ग्राफ? यही तो यहाँ पर ड्रा किया हूँ बेटा, होगा कि नहीं होगा? प्रथम यहाँ पर m इक्वल m इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अब यहाँ पर भी m इज ग्रेटर देन जीरो रख के देख लो, x इज ग्रेटर देन अरे सॉरी वन के लिए, वन से ऊपर से होगा ना, देखो मान लो m इक्वल टू वन रख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस वन, डायरेक्टली m इक्वल टू वन रख के देख रहे हैं दोनों के लिए, m इज ग्रेटर देन जीरो लेके m इक्वल टू वन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2x माइनस वन, तो 2x माइनस वन आएगा बेटा, तो यहाँ पर यदि अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू वन मतलब वन से यहाँ से स्टार्ट होगा तो ऐसे कुछ होगा, यहाँ पर वन रख के देख लो 2 माइनस वन वन, तो देखो ये y कोऑर्डिनेट इसमें मिस हो रहा है, वन आएगा, बट हमें यहाँ पर m इज अब बट m इज ग्रेटर देन जीरो के लिए तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, यदि हम m इज यहाँ से ग्रेटर देन वन लें तो वन लेने के लिए क्या होगा, ये कुछ ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, मतलब यहाँ पर जो m इज ग्रेटर देन वन है तो जो m इज ग्रेटर देन वन है बेटा यहाँ पर। अच्छा आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? सर ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं आता। अच्छा तो आप लोग सर हमें ग्राफ में पता ही नहीं चल रहा सर कुछ। अच्छा ऐसा कुछ है तो ठीक है बेटा, पहले आप इस क्वेश्चन को पहले करके आप लोग एक चीज करिए, इस क्वेश्चन को मैं भी इरेज किए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखिए। मैं आपका ऐसा करूंगा कल का जो लेक्चर है आपको केवल ग्राफ ही ड्रॉ करना बताऊँ, बताइए बेटा। हाँ सर ग्राफ पूरा बेसिक से मतलब कैसे ड्रॉ करने का क्या होता है वो सब सर। अच्छा ठीक है तो बेटा ठीक है, अब आप तो आज का 11 o'clock हो गए हैं, इसके बाद आप केमिस्ट्री लीजिए, मैं आपको कल का लेक्चर पूरा और पूरा आपको सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना सिखाता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके ठीक है, कल का लेक्चर जो होगा बेटा ग्राफ का होगा। ओके थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।